फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ मास्टर जी में स्वागत है। तो आज स्टूडियो में बात करने वाले हैं कि एरगेटिव्स एंड वर्ब क्या होते हैं और दैट बीइंग सेड और फॉलोड मतलब क्या होता है। ठीक है, तो एरगेटिव वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जिसके दो मतलब होते हैं। ऐसे वर्ब जिसके दो मतलब होते हैं उसे एरगेटिव वर्ब कहते हैं। जैसे एक मतलब होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करना, ठीक, और एक का मतलब होता है होना। ठीक है, जैसे जैसे कोई सब्जेक्ट है, जैसे वह है दरवाज़ा खोला, जैसे वह दरवाज़ा खोला है, यह सब्जेक्ट है ना, वह क्या करता है, सब्जेक्ट है तो वह दरवाज़ा खोला, तो इंग्लिश हो जाएगा ही ओपन्ड द डोर। यहाँ पर खोलने का काम करना, खोलने का करना मतलब करना है ना, या खोलने का काम करना, ही ओपन्ड द डोर। ठीक है, लेकिन मैंने कहा कि दरवाज़ा खुल गया, दरवाज़ा खुल गया तो दरवाज़ा अपने आप खुला है ना। जब भी कोई काम अपने आप होता है तो वहाँ पे गॉड का प्रयोग होता है, और क्या होता है, गेट का प्रयोग या गॉड का प्रयोग अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू वर्ब। ठीक है, दरवाज़ा खुल गया, अपने आप हुआ, ऑटोमेटिकली हुआ। ठीक है, अपने आप हुआ तो अपने आप जब होता है तो वहाँ पे गेट या गॉड अकॉर्डिंग टू क्या, अकॉर्डिंग टू टेंस के अकॉर्डिंग किया जाता है। ठीक है, तो दरवाज़ा खुल गया था और अपने आप हुआ है तो वहाँ पर क्या होगा, द डोर क्या, गॉट ओपेंड। लेकिन तब पर भी बहुत सारे लोग जो होते हैं वहाँ पे द डोर ओपेंड ऐसे लिखते हैं, गॉट का प्रयोग नहीं होता। ये भी सही है, ये भी सही है, आप ऐसे लिखे तब भी सही, ऐसे लिखे तब भी सही। यहाँ पे ये पता चला कि द डोर ओपन मतलब दरवाज़ा खुल गया, अब खुलने का काम होना और करना दोनों क्या है, एक खुलने का काम होता है करना, एक खुलने का काम होता है होना। इसका मतलब हो गया एरगेटिव सेंटेंस, वो एरगेटिव वर्ब हो गया, ये वर्ब जो हो गया एरगेटिव। जैसे और एक वर्ब बताते हैं, जैसे जैसे ग्रो मन, जैसे इंक्रीज, इंक्रीज क्या होती है, इंक्रीज या ग्रो करिए, तो इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ाना भी होता है, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना भी होता है। ठीक है, जैसे मैं तुम्हारी सैलरी को बढ़ा रहा हूँ, आप इसे इंग्लिश में कहेंगे आई एम इंक्रीजिंग, मैं बढ़ा रहा हूँ, बढ़ाने काम कर रहा हूँ, योर सैलरी। ठीक, अब मैंने कहा कि मेरे बाल बढ़ रहे हैं, बढ़ने काम हो रहा है, मतलब बढ़ने काम हो रहा है, तो क्या मतलब माई हेयर इज इंक्रीजिंग या ग्रोइंग। ठीक है, क्या होते हैं इसके दो मतलब, वर्ब इस वर्ब के एक इंक्रीज का दो मतलब निकला, कि इंक्रीज का एक मतलब होता है बढ़ाना, जो अकॉर्डिंग टू क्या, सब्जेक्ट या कर्ता के अकॉर्डिंग क्या होगा, किया जाएगा, और एक का मतलब हो जाएगा होना। जैसे इंक्रीज का मतलब होता है एक बढ़ाना और दूसरा मतलब होता है बढ़ना। ठीक है, एक बढ़ाना, कोई तो बढ़ाएगा, कोई तो होगा कर्ता बढ़ाने काम करने वाला, एक तो अपने आप होगा बढ़ना। ठीक है, ऑटोमेटिक इंक्रीज होना, जैसे आप एक ले लीजिए क्रैक जानते हैं, क्रैक मतलब होता है चटक पड़ना या टूटना। ठीक है, जैसे चटक पड़ना या टूटना, जैसे क्रैक का मतलब होता है तोड़ना भी होता है, और क्रैक का मतलब होता है टूटना भी होता है। जैसे मैंने कुर्सी को तोड़ दिया, आई क्रैक्ड द चेयर। ठीक है, आई क्रैक्ड द चेयर। ठीक है, और कुर्सी टूट गई, या टूट गई और तोड़ना अलग नहीं है, निकल गया एक ही वर्ब की दो मतलब निकल रहे हैं, एरगेटिव वर्ब होगा। या फिर क्रैक का मतलब होता है तोड़ना भी हो जाएगा, तोड़ना किसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, और क्रैक का मतलब होता है टूट जाना। तो क्या इसी क्रैक वर्ब की दो मतलब निकलना है, तो इसे क्या कहेंगे, एरगेटिव वर्ब कहेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। वैसे फ्रेंड्स, ये कुछ खास नहीं है, बस आपको जानने के लिए, बस आपकी नॉलेज में होना चाहिए। ठीक है, और कुछ बात करते हैं कि दैट बीइंग सेड का क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है हालांकि का, और एक और मतलब होता है आलू। आलू का मतलब भी होता है हालांकि या यद्यपि। ठीक है, आल्दो का मतलब होता है हालांकि या यद्यपि। ठीक है, और दैट बीइंग सेड इसका भी मतलब होता है हालांकि या यद्यपि। सेंटेंस यूज करके बताते हैं। इसे मैंने कहा कि हालांकि वह चोर है, ठीक है, तब पर भी मैं उसको पसंद करता हूँ। हालांकि के इंग्लिश हो जाएगा दैट बीइंग सेड। ठीक है, दैट बीइंग सेड हालांकि दैट बीइंग सेड वह चोर है, ही इज अ थिफ। ठीक है, ही इज अ थिफ। तब पर भी का इंग्लिश होता है स्टिल। ठीक है, स्टिल हो जाएगा, तब पर भी का इंग्लिश होता है स्टिल। ठीक है,
स्टील का एक और मतलब होता है शांत भी होता है, ठीक है। स्टील को दो मतलब होते हैं, एक स्टील मतलब शांत होता है, एक स्टील का मतलब होता है तपर भी, ठीक है। यहाँ पे तपर भी हो जाएगा स्टील, आई लाइक हिम, ठीक है। ये आपका प्रेजेंट डिफरेंट टेंस के अकॉर्डिंग बनाया है, लाइक हिम, ठीक है। तो मैं आया स्टील से, तो दैट बीइंग सेड और आलू का दोनों का मतलब क्या होता है, हालांकि ये यद्यपि, ठीक है। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज करिए, आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। इसे एक और मतलब कहते हैं कि ऑल आउट का मतलब होता है, ऑल आउट का मतलब होता है झगड़ा होना, या नहीं, ऑल आउट का मतलब होता है झगड़ा होना, झगड़ा करना, दोनों होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने कहा ऑल आउट का मतलब होता है झगड़ा करना भी होता है, झगड़ा होना भी होता है। झगड़ा करना और झगड़ा होना दोनों के दो मतलब निकल रहे हैं, जो मैंने पहले बताया कि क्या बताया है, ऐसे वर्ग को ऐसा वर्ग, क्योंकि ये भी वर्ग है ना, तो ये प्रेजल वर्ग है ना, उस प्रेजल वर्ग का जो ये वर्ग दो महीने निकलना चाहिए, एगेटिव क्या होगा, एगेटिव वर्ग होगा, ठीक है। ऑल आउट का मतलब होता है पहला झगड़ा या लड़ाई करना, ठीक है। दूसरा मतलब होता है होना, ठीक। पहले मतलब का सेंटेंस देखते हैं, मैंने अपने भाई से झगड़ा किया, ठीक। तो मैंने कहा, तो इसका सेंटेंस इंग्लिश में आई फेल आउट विथ माई ब्रदर, मैंने अपने भाई से झगड़ा किया, क्या गया एक पास्ट इंडिफिनिट टेंस में गया, तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में गया, तो ये वर्ग का सेकंड फॉर्म यूज होगा। और हम जानते हैं कि फाल का फर्स्ट फॉर्म होता है फाल, सेकंड फॉर्म होता है फेल, और थर्ड फॉर्म होता है फालन, ठीक है। या कलीजिए फर्स्ट फॉर्म फाल, सेकंड फॉर्म फेल, एफ ई डबल एल फेल, और थर्ड फॉर्म एफ ए डबल एल ई एन, ठीक है। एफ ए डबल एल ई एन फालन मतलब होता है गिर चुका है, ठीक है। मैंने अपने भाई से झगड़ा किया, मैंने अपने भाई के साथ झगड़ा किया, ठीक है। आई फेल आउट उसके साथ, अपने भाई के साथ विथ माई ब्रदर, ठीक है। एक और से ऑल आउट का मतलब होता है होना भी होता है, जैसे मैंने कहा कि वहाँ क्या हुआ, व्हाट हैपेंड देयर, ऐसे इंग्लिश में बोलते हैं, उसकी जगह पर आप यूज़ कर सकते हैं फॉल आउट, आपको कहेंगे व्हाट फेल आउट, यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज होती हूँ, क्योंकि वहाँ मैंने कहा कि वह पास्ट टेंस में कहा है कि वहाँ क्या हुआ, फेल आउट हो जाएगा, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, सारी बात आपको समझ में आया होगा। एरगेटिव वर्ग एक और बार रिवाज कर देते हैं, एरगेटिव वर्ग ऐसे वर्ग होते हैं जिसके दो मतलब होते हैं, एक का मतलब होता है करना, एक का मतलब होता है होना, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।